आज चंदन के पापा को रोटी बनाना पड़ रहा है, यहाँ बना रहे हैं। तो दोस्तों उठने रास्ते से वहाँ निकल के चंदन के पापा गए, तो कुछ इस तरह। तो यहाँ मैं 10 मिनट बैठी, यहाँ चंदन के पापा आ गए हैं, चलते हैं, बैठते हैं गाड़ी में, घर पे चलते हैं। कुछ इस तरह खुल गया है वैसे दोस्तों, लेकिन क्या करें, हम भेज नहीं पा रहे हैं कोई, किसी का ऑर्डर बढ़ ली हूँ यहाँ पर। आलपीन ये जरूरी था, 50 रुपये का 2 किलो आम। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जो भैया दीदी हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करना ना भूलिएगा। तो लास्ट तक वीडियो देखना प्लीज़, आप सबको अच्छा लगेगा। तो कल वाले वीडियो में हमारी एक भैया हैं कि बहन हैं, तो मैं स्क्रीनशॉट लेकर वीडियो में लगा देते हैं। गुंजन को, शीतल को 100 रुपये दिए हैं, मतलब पता नहीं किस स्कीम से पैसा दिया जा रहा है, वो कमेंट बॉक्स से ही दे दिए हैं। तो यहाँ स्क्रीनशॉट पे लगाई हूँ, तो भैया को तहे दिल से धन्यवाद, जो भी दीदी हैं उनको भी तहे दिल से धन्यवाद। क्लियर नाम नहीं पढ़ पाई, बस यही कमी रह गया, मैं वीडियो के शुरुआत में बता दी। नमस्ते नमस्ते, लाइक लाइक करना प्लीज, माफी। तो दोस्तों यहाँ सुबह कपड़ा सारा फैला दी हूँ, कल जो धान बैठाए थे सब कपड़ा धान में सब समेट दिए थे, वहाँ मिट्टी लग गया था, तो कपड़ा धुल दी हूँ। और यहाँ सुबह सुबह फूल देखिए कितना अच्छा से आज हमारे गमले में फुलाए, उधर से दिखाओ उस आगे वाले गमले में बहुत और अच्छा है, और इस वाले में देखिए पूरा रंग बिरंगा है। कल को ले जा रही हैं पास में खेत में बांध के आएंगी, चारनी रही हैं बांध के चली आएंगी, तो अभी वो जाएंगी, और ज़्यादा दूर नहीं है, नज़दीक ही जा रही हैं। तो हम चलते हैं, चाय सब बन गया है और यहाँ पर अब सब्जी सब बनाना बाकी है, सोयाबीन आलू का सब्जी बनेगा, तो चाय जा रही है पीने। तो दोस्तों हम जा रहे हैं चौराहे पे अपने यहाँ के मार्केट, वहाँ दवा लेना है, और मैं लाई थी 6 दिन का दवा, तो नहीं था बीच में, और अब जाएंगे 2-3 दिन का लेकर आएंगे। तो यहाँ पर सब बर्तन बिखरा है, अभी हटाएंगे, झाड़ू लगा रही हैं शीतल, हम चल रहे हैं यहाँ से। दोस्तों अभी दवा लेकर वहाँ से निकली, यहाँ ऑटो से आए हुए थे, जा रहे हैं। तो चौराहे का लोकेशन कुछ इस तरह है, यहाँ दुकान सब लगा है, यहाँ आम सब बिक रहा है। तो यहाँ पर सामान ले ली हूँ, तो यहाँ चंदन के पापा सवारी लेकर चले गए और हमें इसी गांव में जाना है। तो दो सवारी मिल गया था, चंदन के पापा छोड़ने लेकर चले गए उन सबको, तो दूर गए हैं करीब 2 किलोमीटर, तो तब तक हम यहीं पे बैठकर उनका इंतज़ार कर रहे हैं। अभी हमें भी 1 किलोमीटर दूरी पे जाना है इसी रास्ते से, तो यहाँ पर बैठी हूँ रोड पे। साथ में जा सकती थी लेकिन मेरा मन नहीं किया जाने का, और दूर उतना दूर से जाएं फिर वहाँ वापस आएं, तो यहीं पे बैठ गई हूँ। तो यहाँ मैं 10 मिनट बैठी, यहाँ चंदन के पापा आ गए हैं, चलते हैं, बैठते हैं गाड़ी में, घर पे चलते हैं। हम नहर से निकल रहे हैं, कुछ इस तरह लोकेशन है यहाँ का, चल रहे हैं यहाँ से। यहाँ भी छोटा मोटा चौराहा है, दुकान लगता है, लेकिन अभी नहीं लगा है। गांव में आ गए हैं, यहाँ चंदन के पापा हैं, अभी सामान निकालेंगे ले चलेंगे, और दिखाती हूँ हमारे गांव का रास्ता। यहाँ फिलहाल पक्की सड़क ये जो गया है,
तो ठीक है, लेकिन जो हमारे गांव में जाता है बड़ा कीचड़ हो गया है। तो चलते हैं दिखाते हैं आप सबको। तो गाड़ी यहीं पे खड़ी रहेगी, वहां ले जाने लायक नहीं है गांव में। तो यहां चंदन के पापा जा रहे हैं और देखिए जो हमारे घर के पास सड़क गया है कुछ इस तरह है। तो हमें इसी सड़क से जाना है, आगे वीडियो दिखा भी नहीं सकते क्योंकि इसी तरह पानी भरा है, फिसल जाएगा पैर तो मोबाइल भी गिरने का डर रहेगा। तो इसी वाले रास्ते से आए हैं हम सब, देखिए इसी रास्ते से वहाँ निकल के चंदन के पापा गए। तो कुछ इस तरह हमारे घर को जो रास्ता जाता है इस तरह है, खाते आप सबको चल रहे हैं ये रास्ता कैसा है। तो देखिए ये देखिए वहाँ लास्ट तक इसी तरह है। मैं आप सबको दिखाई पीछे का लोकेशन, रास्ता कैसा है। तो निकल रहे हैं धीमे धीमे यहाँ पर, घर पे अपने मैं आ गई हूँ। तो आप सबको मैं रास्ता दिखाई किस तरह गांव का रास्ता है, हमारे यहाँ घर तक आ रहा है रास्ता और यहाँ पर मैं आ गई। तो यहाँ पर सब लोग लड़ाई कर रहे थे, अभी शिकायत पहुँचते ही करने लगे, देखो पापा देखो मम्मी क्या हो रहा था, लड़ाई हो रहा था। कौन कौन कर रहा था लड़ाई? गुनन को मार रही थी और इधर गुनन को मार रही थी। अच्छा, तो यही सब करते हैं। तो दोस्तों हम गए थे दवा लेने, दवा ले भी आई, सामान भी लाई, यहाँ एक छाता भी ले आई। तो ये छाता हमें 120 रुपए का पड़ा है। तो किधर से निकल गई है क्या निकल गया छाता से? कुछ इस तरह छाता है। तो बच्चों के वजह से ये सब तोड़ देते हैं। अभी पड़ताल में खरीदी थी एक और बचने नहीं देते, ये सब हवा में लेकर जाएंगे बस पलट जाएगा, बस खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर दवा सब लाई और ये भी दवा है, सब सारा ये दवाई खाना पड़ता है पूरा 6 दिन का ले ली हूँ। तो यहाँ पर रख देते हैं। और तो यहाँ बच्चों का अभी स्कूल खुल गया है वैसे दोस्तों, लेकिन क्या करें हम भेज नहीं पा रहे हैं कोई किसी कारण वर्ष। तो ये अपने लिए जूड़ा ली हूँ यहाँ पर आलपीन, ये ज़रूरी था, साड़ी में लगाते हैं जब पहनते हैं। ये 2 बिंदी ले ली हूँ, यहाँ रबड़ है, एक पत्ता चिमटी है। तो ये सब सामान ले आई हूँ। 50 रुपये का 2 किलो आम भी ले आए हैं साथ में। तो इतना सामान मैं खरीदी और ना चाह कर आम खरीदना पड़ा क्योंकि जाते वक्त बोले मम्मी आम लाना। दोस्तों सब अपना अपना हिस्सा खा लिए, देखिए मेरा वाला इतना बड़ा एक आया, बाकी जितना मैं आप सबको दिखाई थी सब आम सब खा गए, उधर छिलका छिलका रख दिए। अंजलि कैसा लगा? अच्छा अच्छा लगा ना। तो आज मैं चल नहीं पा रही हूँ, बैठ भी सही से नहीं पा रही हूँ। तो यहाँ चंदन के पापा रोटी बना रहे हैं, खाना बना दिए हैं, दाल चावल, आज गुंजन भी नहीं लगी। तो ये कुर्सी के पीछे हो गए कि हमको दिखाए ना, नजदीक से दिखा दो चंदन। तो आज चंदन के पापा को रोटी बनाना पड़ रहा है, यहाँ बना रहे हैं। तो दोस्तों उठने बैठने में सब दिक्कत है और इसी तरह बैठते हैं बड़ा आराम आराम से। तो बड़ा परेशानी हो गया है, यहीं से पैर ऐसे टाइट हो गया है और दर्द भी करता है, हिलते डोलते कहीं चले, मोटापा भी हो गया थोड़ा, तो उससे भी दिक्कत होता होगा या तो तबीयत खराब है उससे दिक्कत होता होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो में कोई गलती होगा तो माफ करना। कल धान बैठाई और दिक्कत तो बहुत है, फिर भी हंस रही हूँ, लेकिन ज़्यादा दिक्कत यहीं से लेकर पूरा पैर में है। ऐसे ना तो मैं ऐसे झुक सकती हूँ ना तो बैठ सकती हूँ सही से, सोने लेटने में बड़ा दिक्कत हो रहा। तो इनके बाद धान बैठाई, बीच में आप सबको दिखाई भी, और कल वाले कमेंट में सबको बहुत खुशी हुई, तहे दिल से धन्यवाद। माता रानी आप सबको हमेशा खुश रखें। तो इसी तरह अपना साथ सपोर्ट बनाए रखना। इस समय ललकी बटनिया करिया हो रहा है, अंजलि करिया करवाने में लग गई है। तो
तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।